हेलो दोस्तों, इंद्रिया चैनल में आपका स्वागत है। इंद्रिया में क्रम और आज की इस वीडियो में हम इस रियलमी वायरलेस ईयरबड्स का जो है अनबॉक्सिंग करेंगे। ये है बर्ड्स एयर, तो एकदम हूबहू ये है आईफोन के जो एप्पल का आपको जो है मिलता है एयरड्रॉप्स एयरपोर्ट्स, उसका ही सेम टू सेम जो है कॉपी है। तो इसका फिलहाल मैं अनबॉक्सिंग करूंगा। रिव्यू अगर आपको देखना है तो थोड़ा आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि अच्छे से मैं इसे टेस्टिंग करूंगा, उसके बाद में आपको इसका फुल रिव्यू जो है दे पाऊंगा। तो मैंने सोचा अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं है, लोगों ने जो है ज्यादातर जो है रिव्यू दिया है, तो सोचा क्या क्या कंटेंट जो है देखने को मिलता है, इसके फुल स्पेसिफिकेशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, एप्पल का ही हूबहू एकदम कॉपी था, जो लगभग 1200 का आता है, इसका भी मैंने रिव्यू किया है। अगर आपको देखना है तो वो भी मेरे चैनल के अंदर देख सकते हो। और टॉप 6 मैंने वायरलेस ईयरबड्स के बारे में भी जो है मेरे चैनल के अंदर रिसेंटली वीडियो के अंदर मैंने बताया है। अगर आपको जानना है तो आप वो वीडियो भी देख लेना। मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे जो है इसका लिंक देने की। तो फिलहाल जो है इसको अनबॉक्सिंग करेंगे और क्या क्या कंटेंट है जो है मैं आपको बताऊंगा। इसका रिव्यू थोड़ा दिन में टेस्टिंग करने के बाद जो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आप काफी एक्साइटेड हो, इसे खरीदना चाहते हो जल्द से जल्द, तो आप किसी भी वीडियो के अंदर या इसी वीडियो के अंदर आपको कमेंट करना होगा। कमेंट में जो आपको रिप्लाई में जवाब मिल जाएगा कि हाँ भाई इसकी साउंड क्वालिटी कैसा है, इसका बैटरी बैकअप कैसा है, हर चीज की जानकारी जो आपको कमेंट में रिप्लाई में मिल जाएगा वीडियो आने से पहले। और वीडियो के लिए आप सबसे पहले यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर देना, ताकि जब भी मतलब कोई भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले जो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिलहाल जो है इसको अनबॉक्सिंग करते हो, देखते हैं क्या क्या कंटेंट जो है देखने को मिलता है। तो ये रहा बॉक्स पैक, यहाँ पे आप देख सकते हो तो येलो कलर में जो है यहाँ पे बॉक्स है, और यहाँ पे लेफ्ट राइट में जो है रियल मी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे MRP आप देख सकते हो 4999 रुपये जो है यहाँ पे दिया हुआ है। कलर जो है ये वाइट है, 3 कलर में अवेलेबल है। और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन दी गई है, यहाँ पे रियल वायरलेस टेक सुपर लो लेटेंसी आपको मिलता है, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिल जाता है, ओपन अप ऑटो कनेक्शन का भी जो ऑप्शन दिया हुआ है, वे डिटेक्शन दिया हुआ है, मतलब कान की तरफ आप ले जाओगे तब जो है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, और मतलब प्ले पॉज का भी मतलब सब वे डिटेक्शन के हिसाब से जो है दिया हुआ है। यहाँ पे सुपर लो लेटेंसी आपको गेमिंग मोड के अंदर भी दिया हुआ है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, जो लिंक के लैब के अंदर जो है 50% वॉल्यूम रख के जो है टेस्ट किया हुआ है। यहाँ पे बॉक्स को जो है मैंने जो प्लास्टिक लगा हुआ था उसको जो है मैंने सील था वो तोड़ दिया है, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कार्डबोर्ड है, इसको फिलहाल यहाँ पे निकालते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक USB आपको यहाँ पे टाइप सी का जो है यहाँ पे केबल जो आपको मिल जाता है आपके ईयरबड्स को चार्जिंग करने के लिए, जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और जैसा कि मैंने कहा आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी जो है आपको मिल जाता है। वायरलेस में भी जो है आप इसे आप चार्ज कर सकते हो। क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त है, एकदम ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ आता है, एकदम हो बहू जो है आपको एप्पल का जो एयरपोर्ट्स है वैसा ही सेम जो है आपको मिलता है। और ये जो वाला मैंने पहले आपको इसका भी रिव्यू किया था, जो ये i11TWS करके है, जो लगभग 500 से 1200 के आसपास जो आपको बाज़ार में या ऑनलाइन मार्केट में मिल जाता है, लेकिन इसकी साउंड क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है इसका भी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिज़ाइन इसका भी काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे एकदम हूबहू आपको एप्पल का भी कॉपी जो है यहाँ पे लगता है, लेकिन ये वाला रियलमी का जो है एकदम प्रीमियम क्वालिटी का जो है आपको फील होगा। यहाँ पे देख सकते हो ये प्लास्टिक को जो है मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, तो ये रहा यहाँ पे प्लास्टिक हटा। यहाँ पे USB टाइप सी पोर्ट यहाँ पे नीचे साइड दिया हुआ है, यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है चार्ज करने के लिए, और यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा छोटा है, यहाँ पे जो एप्पल का मतलब जो कॉपी है उससे थोड़ा सा यहाँ पे छोटा है, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छा लगता है, एकदम स्लिम ग्लोसी फिनिशिंग के साथ जो है यहाँ पे मिलता है आपको। अब देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा जो आपको ये पसंद आएगा, ये रियलमी का जो बनाया है, आखिरकार कंपनी का है, रियलमी कंपनी का है, तो आपको परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया अच्छी जो है देखने को मिलेगी। कनेक्टिविटी भी काफ़ी जल्दी जो है यहाँ पे हो जाता है, और जैसा कि मैंने आपको कहा फुल रिव्यू के अंदर मैं आपको फुल डिटेल्स दे पाऊँगा, इसका बैटरी बैकअप और साउंड क्वालिटी कैसा जो है आपको मिलता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम प्रीमियम क्वालिटी का है, यहाँ पे माइक दिया हुआ है, यहाँ पे टच बटन भी आपको जो है यहाँ पे मिल जाता है, एकदम हूबहू एप्पल का ही प्रोडक्ट है। 3 कलर में आपको मिल जाता है, ब्लैक कलर, येलो कलर और वाइट कलर। फिलहाल जो है 2 जो सॉल्ट मतलब रखा था कंपनी ने, 2 मतलब सिर्फ वाइट कलर ही जो है बेचे हैं, अभी येलो कलर और ब्लैक कलर जो है अभी फिलहाल जो है अवेलेबल नहीं है। और ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है जो अटैच हो जाता है, पावर जो पावर बैंक जो केस है वो एकदम एक तरह के पावर बैंक की है, और कंपनी ने कहा है कि लगभग 17 घंटे के आसपास जो है ये चार्ज रहेगा, फुल चार्ज टोटल जो है आपको बैटरी बैकअप जो है आपको मिलेगा।
ओके, तो फुल रिव्यू का इंतज़ार करना, और चैनल में पहली बार आया तो चैनल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर देना, और आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट का जवाब मैं जल्द से जल्द देने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे रख दिया है, ये अटैच हो जाता है ऑटोमेटिकली, जो है चार्ज भी जो है यहाँ पे हो जाता है, सिर्फ एक बटन प्रेस करने से जो है ये चार्ज हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे ऐसी नेटिक फ्री में, तब तक के लिए देखते रहिए हिंदी टेक।